खुशी है, बहुत खुश है। हाँ क्या बोले दीदी? आइए खुशी, क्या बोल रहे हैं कि कितना खुश हैं? बहुत ही खुश हुए हैं, बहुत लगाए हुए, बहुत खुश हैं। क्या नाम है? रोशन परवीन। तब कितने दिनों के बाद ये खुशी लौटी है? बस 90 दिनों के बाद। 90 दिनों के बाद तब आप क्या कहेंगे? हम लोग भी बहुत खुश हैं, इतना इतना खटाल करके बाद 90 दिन हुआ, हम लोग खुशहाली में बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। वेतन नहीं बढ़ा तो खुश क्या, क्या हुआ? वेतन नहीं बढ़ा अभी तो खुश नहीं है अभी। अच्छा वेतन अभी नहीं बढ़ा तो खुश नहीं है? देखिए आश्वासन पर कुछ कुछ मिठाई खा रहे हैं, फिर भी जो है ना कह रहे अभी कुछ ना, अभी मिठाई खा लिए खुश हो गया, मिठाई खा ली खुश भी। और जो आश्वासन दिए हैं अगर वो कर देते हैं तो हम लोग सारी सेविका उनको बहुमत से जिताने का काम करूंगी और अपने परिवार को मैं भी उनका सहयोग करूंगी। अपने अपने परियोजना में हरेक सेविका जश्न मना रही है और मैं इन सेविकाओं को कहेंगे नीतीश कुमार के लिए। अब नीतीश कुमार के लिए क्या कहना है? नीतीश कुमार ठीक है, इतना दिन परेशान किए दे दिए हैं, तो जश्न भी मना रहे हैं, खुशी भी मना रहे हैं, ताली भी बजा रहे हैं, माल्यार्पण भी कर रहे हैं। तो मानदेय बढ़ाएंगे, मानदेय बढ़ाएंगे तो और हम लोग जश्न मनाएंगे, मानदेय बढ़ाएंगे तो मिठाई खिलाए। नीतीश लोग कितना खुश है? बहुत खुश है, बहुत खुश है, आश्वासन दिए इसी में खुश है, आश्वासन से ही। नमस्कार, मैं एसके आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे जो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहनों के लिए आज खुशी का दिन है। जैसा जानते हैं कि नए साल में जिस प्रकार से हड़ताल लगभग 3 महीने से अधिक दिनों तक हड़ताल पर रही, उसके बाद कहीं ना कहीं एक मातम सी थी, लेकिन अब नए साल में खुशी का, और जैसा देख सकते हैं रंग गुलाल लगा करके एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं इस नए वर्ष में, और जानते कि कितना उत्साह है और नारेबाजी भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के पक्ष में लगा रहे हैं कि कितना खुश है। ये तमाम बातें जानते हैं मैम से क्या कहते हैं इस मुद्दे पर। देखिए तो जानते हैं इनसे क्या कहते हैं इस मुद्दे पर, तो क्या कहेंगे दीदी? अब आप लोग रंग गुलाल मिठाई माला है ना, यह रंग गुलाल मिठाई खेल मने लगाने का, यह पुष महीना है या खरमास का महीना है यह भी मैं जान रही हूँ, लेकिन यह मेरे लिए आज जो है यह खुशी का दिन है कि हम लोग 101 दिन के बाद 101 दिन के बाद योगदान देने के लिए आई हूँ, और उस योगदान में हम लोग सारी सेविका एवं सहायिका मिल करके अपना अपना योगदान दिए, उसी का मैं जश्न मना रही हूँ। अच्छा एक जश्न का माहौल, ये जश्न का माहौल है, ये खुशी का माहौल है, इस खुशी के माहौल में हम लोग गुलाल लगा रहे हैं, मीठा एक दूसरे का मुंह कर रहे हैं, हम लोग माला माल्यार्पण भी कर रहे हैं, योगदान दे चुके ले लिए हम लोग, तो वो योगदान भी हो चुका, और योगदान के बाद जो खुशी होनी चाहिए उस खुशी को हम लोग अपने आपस में जाहिर कर रहे हैं, और खुश हैं, इतना खुश हैं, इसलिए कि मैं उन बहनों को कहना चाहती हूँ धन्यवाद, जो समस्त बिहार की सेविका संगठन के नेता के आवाहन पर अडिग रही और अपना अधिकार मांगने का काम की, जिसमें कि जो जमुई की मेरी सेविका है 2700 सेविका एक अनीता अंशु के आवाहन पर, अच्छा टोटल सेविका अपने अधिकार मांगने के लिए निकली हड़ताल की, और बहुत सारे उनके साथ ऐसा हुआ, किसी से छिपा हुआ नहीं है, तो प्रक्रिया बहुत सारी हुई, उसके बाद जब हम लोग लौट के आए हैं तो अपने अपने परियोजना में हरेक सेविका जश्न मना रही है, और मैं इन सेविकाओं को कहेंगे नीतीश कुमार के लिए। अब नीतीश कुमार के लिए क्या कहना है? नीतीश कुमार ठीक है, इतना दिन परेशान किए दे दिए हैं, तो जश्न भी मना रहे हैं, खुशी भी मना रहे हैं, ताली भी बजा रहे हैं, माल्यार्पण भी कर रहे हैं, तो मानदेय बढ़ाएंगे तो और हम लोग जश्न मनाएंगे, मानदेय बढ़ाएंगे तो मिठाई खिलाए। नीतीश लोग कितना खुश है? बहुत खुश है, बहुत खुश है, आश्वासन दिए इसी में खुश है, आश्वासन से ही खुश है, केवल आश्वासन से इतना खुश है, और यदि मानदेय बढ़ जाता तो क्या होता? कितना खुश रहेंगे, सो सोचिए, बहुत खुश है। हाँ क्या बोले दीदी? आइए, क्या बोल रहे हैं कि कितना खुश हैं? बहुत ही खुश हुए हैं,
हैं, फूला लगाए हुए, बहुत खुश हैं। क्या नाम है? रोशन परवीन। तब कितने दिनों के बाद ये खुशी लौटी है? बस 90 दिनों के बाद। तब आप क्या कहेंगे? हम लोग भी बहुत खुश हैं, इतना इतना हड़ताल के बाद 90 दिन हुआ हम लोग खुशहाली में। अच्छा, अनिता दी को मिठाई खिला के लिए नारा लगा रहे, अच्छा नारा लगाइए नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार जिंदाबाद, हम लोग को खुश किए, आप को भी खुश करेंगे सर। अच्छा, खुश कर दीजिएगा। तब आप चुनाव में कह रहे थे कि लोकसभा का चुनाव है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तेजस्वी भैया के लिए जो है ना, तो अब क्या होगा चुनाव में, क्या कीजिएगा? हम लोग उन्हीं को देंगे। क्या कीजिएगा चुनाव में? देखिए चुनाव अभी बहुत लंबा समय है, देखा जाएगा चुनाव में। देखा अगर हम लोग का बढ़ जाएगा, अच्छा बढ़ा देंगे, तो हम लोग सभी सेविका उन्हीं को वोट। चलिए, और है जानते हैं यहाँ पे कुछ कुछ सेविका बने हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, पूरा अब आए हैं, क्या कहेंगे, कितना खुश? मैं 101 दिन के बाद पुनः वापस आई हूँ, एक गंदी हूँ। और नीतीश अतिरिक्त से हो गया, मिनी था ना? नहीं नहीं, मिनी नहीं था मेरा। अच्छा, सामान्य ही था। हाँ, और जो आश्वासन दिए हैं, हाँ, अगर वो कर देते हैं तो हम लोग सारी सेविका उनको बहुमत से जिताने का काम करूंगी। अच्छा, और अपने परिवार को मैं भी उनका सहयोग करूंगी। चलिए देखिए, एक और सेविका हैं, क्या कहेंगे? देखिए इस मौके पर और किन जानेंगे, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? इतना खुश, बहुत खुश है, बहुत खुश है हम, बहुत खुश हैं। वेतन नहीं बढ़ा, वेतन क्या, क्या हुआ? वेतन नहीं बढ़ा अभी तक, खुश नहीं है अभी। अच्छा, वेतन अभी नहीं बढ़ा तो खुश नहीं है? देखिए आश्वासन पर कुछ कुछ मिठाई खा रहे हैं, फिर भी जो है ना कह रहे अभी कुछ ना, अभी मिठाई खा लिए खुश हो गया, मिठाई खा ली खुश लिए। चलिए, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, यहाँ पर देख रहे थे कि सेविका दीदी में कितना खुशी है, एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे, माला पहना रहे थे और मिठाई भी खिला रहे हैं। और जानते हैं कि और जो सेविका क्या कहीं, आप आपसे छिपा हुआ नहीं, आप लगातार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का जो वीडियो देख रहे थे और कहीं ना कहीं 101 दिनों के बाद अब योगदान लिए थे, ये तमाम खबरें अभी आप सुन रहे थे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।